तो देखो देखो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ए बॉडी टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू स्लाइड डाउन, मतलब एक इंक्लाइंड प्लेन है और उस इंक्लाइंड प्लेन से अगर कोई बॉडी स्लाइड करती है। चलो देखो, दो इंक्लाइंड प्लेन है, अगर ये इंक्लाइंड प्लेन है और इससे अगर कोई बॉडी स्लाइड करती है, यहाँ ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये एंगल कुछ 45 डिग्री पहले से मेंशन है, तो ए पॉइंट से, टॉप पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में जो टाइम लगता है, समझ रहे हो ना, इज एन टाइम्स टेकन टू स्लॉट ए परफेक्टली स्मूथ। मतलब ए सरफेस, अगर यहाँ कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू है, और अगर ये दूसरा इंक्लाइंड प्लेन है, ये दूसरा इंक्लाइंड प्लेन है जहाँ से बॉडी स्लाइड करती है, और मतलब नहीं, वही इंक्लाइंड प्लेन है, लेंथ सेम है, सेम लेंथ का इंक्लाइंड प्लेन है, दिस लेंथ इज ऑलवेज सेम, और ये लेंथ, यहाँ भी ये लेंथ सेम है, ए भी लेंथ है, ये लेंथ सेम है, तो ये जो सरफेस है, यहाँ म्यू कितना है, जीरो। तो अगर यहाँ म्यू जीरो है, तो तुम देखोगे कि ये जो ब्लॉक है, अगर यहाँ से ये नीचे आ जाता है, ये ब्लॉक यहाँ नीचे आ जाता है, तो यहाँ से आना, मान लो पहले केस में यहाँ से आना, ए से बी तक आने में टाइम T1 लगा और ये टाइम T2 लगा, तो ये कहते हैं अब ऑब्वियसली इस पे T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 इज ग्रेटर देन T2, तो ये कहते हैं T1 इज एन टाइम्स T2, ये इक्वेशन हमारा सेट हो गया। तो अगर T2 एन टाइम्स T1 है, तो म्यू की वैल्यू निकालो यार, बात आ गई समझ में। तो अगर मैं म्यू की वैल्यू निकालूँ, तो सबसे पहले मैं केस फर्स्ट में बात करता हूँ, केस फर्स्ट में सरफेस कैसा है, केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट में अगर सरफेस की बात करोगे, फर्स्ट केस में, तो केस फर्स्ट में तुम बात करोगे, हम सबको पता है एक्सलेशन की वैल्यू रफ सरफेस पे नीचे आने में जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा के इक्वल होता है। अगर आप नीट और जेई की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये फार्मूला याद होगा। तो थीटा 45 है, तो साइन 45 म्यू, और ये √2, तो ये √2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जी बाई √2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस म्यू कोपचे में रह जाएगा, तो दैट इज एक्सलेशन A1। ये फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज द सिनेरियो फर्स्ट। तो ये कहते हैं कि जो T2 है वो ज़्यादा टाइम लगेगा, हाँ T1 ज़्यादा टाइम लगेगा, दिस इज, हाँ, अब यहाँ से टाइम निकालो, तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT² लगा देता हूँ, और ब्लॉक भाई रेस्ट से चल रहा है, तो ये जीरो हो गया, तो यहाँ से टाइम T1 की जो वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 2S/G अंडर रूट एक्सलेशन, यहाँ से तो यह आ जाएगा 2L, और यहाँ आ जाएगा एक्सलेशन A1 अंडर रूट, दिस इज द इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलते हैं, तो मुझे ज़्यादा फील आएगा, समझे ना, फील भी आना जरूरी है, तो यहाँ से मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। चलो पहले केस में टाइम निकल गया, दूसरे केस में टाइम निकालो, हाँ ये रफ सरफेस था, तो केस टू में आ जाओ, केस टू कैसा है भाई, स्मूथ है, तो अगर स्मूथ सरफेस है, तो स्मूथ सरफेस पे तो म्यू जीरो रख दोगे, तो एक्सलेशन की वैल्यू आ जाएगी जी साइन थीटा, और ये जो एक्सलेशन A2 है वो जी साइन 45 की वैल्यू रखोगे, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी जी बाई √2 आ जाएगा, और यहाँ पर जो टाइम T2 लगेगा वो आ जाएगा 2S/ अंडर रूट, तो यह आ जाएगा 2L/A2 अंडर रूट, ठीक है, अभी मैं A1 A2 की वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है, तो यहाँ से अब ये कहते हैं भाई T1 ज़्यादा होगा, तो T1 इज एन टाइम्स T2, तो T1 अगर एन टाइम्स T2 है, तो 2L/A1 अंडर रूट, तो ये आ जाएगा एन टाइम्स T2 2L/A2 अंडर रूट, भाई T1 ज़्यादा है मेरे भाई, ठीक है, T1 ज़्यादा लगेगा ही यार, तो यहाँ से दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे, तो ये आ जाएगा 2L भी हट गया, तो 1/A1 इज इक्वल टू N²/A2, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि A2 इज इक्वल टू A1 N का स्क्वायर। अब A2 क्या था बोलो, A2 जी बाई √2 था, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी जी बाई √2, और A1 की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके थे, कितना था, जी बाई √2 और A 1 माइनस म्यू, और ये N² इधर चला आ रहा है, तो म्यू की वैल्यू ये जी बाई √2 इधर से खत्म हो गया, इधर बचा 1 और इधर बचा N² -
म्यू एन का स्क्वायर, तो हमें म्यू चाहिए, तो 1 प्लस म्यू एन का स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। हम लोग को चाहिए म्यू बच्चों, तो म्यू चाहिए, तो म्यू के लिए जो बात यहाँ से बन के आ रही है वो बात आ रही है म्यू एन स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी एन स्क्वायर माइनस वन, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो दिस इज द कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आई होप कि आपको ये समझ, 1 माइनस 1 का एन स्क्वायर आपको बात समझ में आ रहा होगा। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब फोर्थ ऑप्शन सही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखो, मोटिवेटेड रहो।